Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session, we have discussed about the topic that is managed floating. So in today's video session, we will discuss about another topic, that is why foreign exchange is demanded. तो वो क्या कहते हैं कि हम foreign exchange क्यों demand करते हैं? Why foreign exchange is demanded? What is the need of the foreign exchange? So these are some of the reasons why we demand the foreign exchange. First one is repayment of international loans. कि जो हमारी कंट्री ने इंटरनेशनल मार्केट से या जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हुए हैं उनको रीपे करने के लिए हमें क्या है फॉरेन करेंसी की जरूरत है. तो व्हाई वी डिमांड द फॉरेन करेंसी टू रीपे द इंटरनेशनल लोन्स. सेकंड रीजन इज इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो क्या कहते हैं कि अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या है फॉरेन करेंसी चाहिए, बिकॉज हम उस कंट्री की कंपनी में उन्हीं की करेंसी में क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है. थर्ड वन इज इम्पोर्ट्स. जो भी हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं बाहर से तो उनकी पेमेंट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए उसके लिए हमें क्या है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है. तो फॉर इम्पोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड द फॉरेक्स रिजर्व. फोर्थ रीजन इज डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड. हम क्या है कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, कहीं फॉरेन कंट्री में हम घूमने जा रहे हैं तो वहां पे हम डायरेक्टली गुड्स को परचेज कर सके. हमें कोई शॉपिंग करनी है या कुछ खाना पीना है वहां पे तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए. तो वो कहते हैं कि डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड, जब हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं कहीं अब्रॉड जा रहे हैं तो वहां पे हमें हमारी परचेजिंग पावर हो तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या है फॉरेन करेंसी चाहिए ताकि हम डायरेक्टली बाहर क्या है गुड्स को परचेज कर सके. देन ग्रांट्स एंड डोनेशंस. अगर किसी भी कंट्री को हमने कोई डोनेट करना है या ग्रांट भेजनी है उसके लिए अपा को क्या है फॉरेन करेंसी की जरूरत है. इसीलिए हम क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करते हैं टू गिव द ग्रांट्स, टू गिव द डोनेशंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और टू द फॉरेन कंट्रीज वी रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज. देन पेमेंट ऑफ इनकम, दैट इज जो हमने नेशनल इनकम में करा था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि जो फॉरनर्स क्या है हमारे इंडिया में आकर के पैसे कमा के लेके जा रहे हैं तो हमें उन्हें देना भी किस चीज में पड़ेगा, दैट इज उनकी करेंसी में देना पड़ेगा. तो दैट इज पेमेंट ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम क्या है किसी फॉरेन कंट्री में जाके करके रिपैरिटेड होनी है तो उसके लिए अपा को फॉरेन करेंसी चाहिए. तो टू पे टू द वी कैन से दैट फॉरनर्स और फॉर पेइंग फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें क्या है फॉरेन करेंसी की जरूरत है. देन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, जो डॉलर्स में से प्रॉफिट कमाते हैं, तो डॉलर्स को सस्ते में बाय कर लिया महंगे में बेच दिया तो स्पेकुलेशन के लिए भी क्या है जो फॉरेन करेंसी है वो लोग डिमांड करते हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस दैट व्हाई वी डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो हमें फॉरेन एक्सचेंज आता कहां से है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज और व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो फर्स्ट क्या है, दैट इज एक्सपोर्ट्स. जो हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट से जो हमें पैसा आता है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आर डोमेस्टिक कंट्री. तो फर्स्ट सोर्स क्या है सप्लाई का ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज एक्सपोर्ट्स. सेकंड है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आकर के इंडिया में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करती हैं
तो उससे क्या है, हमारे देश में क्या आती है, फॉरेन करेंसी आती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कोई फॉरेनर्स घूमने आ रहे हैं इंडिया, तो वो वहां से डॉलर्स लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो इंडियन नेशनल रुपी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, डॉलर ही आ रहा है, तो जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आकर के क्या है, खरीदारी करते हैं, तो वो यहाँ पे आके डॉलर्स को रुपी में एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे जो इकोनॉमी में तो क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सप्लाई हो रही है। तो डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट, लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमने वर्ल्ड बैंक से या किसी फॉरेन कंट्री से क्या किया हुआ है, पैसा लिया है, लोन लिया है, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक कंट्री। नेक्स्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर किसी कंट्री ने हमें डोनेशन दिया है या किसी कंट्री ने हमें ग्रांट दी है, तो वो भी क्या है, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ और द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लाइक रिसेंटली द वी कैन से दैट अमेरिका हैज गिवन अस द डोनेशन टू फाइट विद द COVID-19, तो वो किस, दैट इज अ सोर्स ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इन अ डोमेस्टिक कंट्री। नेक्स्ट, इनकम रिसीट्स जो हमारे देश के लोगों ने बाहर से पैसा कमाया है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो फॉरेन जाकर के पैसा कमा के ला रहे हैं, तो दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंडिया। तो जैसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था, अब इसमें क्या आ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फॉरेन से हम पैसा कमा करके ला रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। नेक्स्ट, रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट्स, जो NRIs क्या है, इंडिया में पैसा भेजते हैं, जो NRIs अपने रिलेटिव्स को या अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं, दैट इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। So these are some of the reasons that why we demand the foreign exchange, and these are some of the sources from where we get the foreign exchange. So please watch this video very carefully, and if you have any of the queries, please note down on your notebook and I will sort out your queries in tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.